नमस्कार प्रिया जेमी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी एक डिश बनाने वाली हूँ जो हर एक बड़े रेस्टोरेंट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वो आप घर में नहीं बनाएंगे, पर हाँ रेस्टोरेंट जाके उसे ऑर्डर ज़रूर करेंगे। पर वही रेसिपी अगर आपके किचन में बने तो वो भी आपके हाथों से और किचन में उपलब्ध सामग्री के साथ। तो चलो बनाते हैं आज की रेसिपी, पनीर लबाबदार। रेस्टोरेंट जैसा वही जायका, वही स्वाद, वही फ्लेवर अगर आपको आपके किचन में चाहिए तो इस रेसिपी को आप अंत तक देखें। और हाँ, मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगने वाली है वो है 250 ग्राम पनीर, टोमेटो, प्याज, हरा धनिया, जिंजर ये 1 इंच है, लहसुन की 8-10 कलियां, फ्रेश क्रीम 2 चम्मच है, तेल, बटर, शहद भी बोलते हैं इसको, चीज, हरी इलायची 2 लवंग, बादाम 4-5, काजू 4-5, कसूरी मेथी, गरम मसाला, कश्मीरी लाल पाउडर, लाल तीखा और धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पनीर है इसके 1-1 इंच के टुकड़े कर लेंगे और टोमेटो और प्याज इसका छिलका निकाल के इसके भी कट कर लेंगे। अभी मैंने गैस पे पैन रखा है, इसको गरम होने के बाद इसमें तेल भी डाला है, 2 चम्मच तेल डाला है। अभी इसमें हम टोमेटो, प्याज और ग्रीन चिली डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम हरी इलायची और लवंग भी डाल रहे हैं। अभी इसको अच्छे से हमें भूनना है, इस तरह से इसे सुनहरा होने तक, गुलाबी होने तक हमें भून लेना है। अभी काजू और बादाम भी डाल रहे हैं इसमें हम, इसको भी साथ में ही भून लेना है। हमारा जो मसाला है वो अभी गुलाबी या सुनहरा हो गया है, इसे हम अभी मिक्सर के पॉट में निकाल लेते हैं। हमने इसे मिक्सी के पॉट में निकाल लिया है, इसमें 1/2 कप पानी डाला है। ये अभी ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट बनके रेडी है इस तरह से। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और जीरा डाला है, इसको हम अभी कूट लेंगे, इसे दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो, पर मैं दरदरा पीस रही हूँ। अभी हमने पैन रखा है, इसमें 1 चम्मच तक तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें अदरक, लहसुन और जीरे का जो पेस्ट बनाया है हमने वो भी डाल देंगे। इस पेस्ट को हमें सुनहरा होना देना है, ज़्यादा नहीं, और धीमी आंच पे पकाना है। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अभी थोड़ा सा सुनहरा हो गया है, आप देख सकते हो। इसमें हम कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अभी सभी मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक ये भी डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। ये गया गरम मसाला। कोई कोई
गरम मसाला ऊपर से भी डालते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट डाल रही हूँ। और आप चाहे तो तेल में बटर का यूज़ भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ बटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसे बटर डालूँगी पर नेक्स्ट स्टेप में डालूँगी, अभी नहीं। तो हम तेल में ही पका रहे हैं इसको, मसालों को। अभी हम पेस्ट डालेंगे यहाँ पे, जो हमने मिक्सी में पीस लिया था, और इसको भी अच्छे से धीमी आंच पे ही पकाना है। फिलहाल हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हम अभी थोड़ा उबाल भी आ रहा है, देख सकते हो। इसमें हम अभी पनीर डालेंगे। ये 250 ग्राम पनीर है और 1 इंच के साइज से मैंने इसे कट कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा पनीर कम ज़्यादा कर सकते हो, 200 ग्राम पनीर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पे। इसको अच्छे से घुमा लेंगे हम, ये ग्रेवी पनीर को अच्छे से लगने चाहिए। अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, जिस मिक्सी के बॉल में हमने ग्रेवी पीसी थी उसी का पानी हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है। इसमें हम अभी कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं, इसे कसूरी मेथी भी बोलते हैं। इससे सब्ज़ी में बहुत ही जायका आता है, स्वादिष्ट बनती है। और पनीर की सब्ज़ी थोड़ी मीठी रहती है, उसके चलते अगर आप कसूरी मेथी का यूज़ करते हो तो उसका जो जायका आता है, उसका जो फ्लेवर आता है, वो अलग ही आता है। अब यहाँ हम 2 चम्मच हरा धनिया डाल रहे हैं, हम 1 चम्मच चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहे, आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो 1/2 चम्मच भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीज़ डाला है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच हनी डाल रही हूँ, इसे शहद भी बोलते हैं। इससे सब्ज़ी जो है बहुत ही रिच बनती है। हमारी सब्ज़ी को अभी अच्छे से उबाल आ गया है। हम इसे ढक्कन रख के मीडियम टू हाई हीट पे पकाएंगे। हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई ही है। अभी इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी बनी है और बहुत ही जायकेदार बनती है। ये लॉकडाउन पीरियड में आपको अगर रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाना है तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसे हम रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसे हमने अभी सर्विंग बोल में निकाल लिया है। इस पर थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। ये मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ इस पर, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम यूज़ किया मैंने। और थोड़ा सा ऊपर से बारीक धनिया भी डाल देते हैं। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सके। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।